बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस चैप्टर की इब्तिदा कर रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ज़रा समझ लें कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ द वेवलेंथ, प्लस हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जैक्टली वही है जिसके बारे में बात हम चैप्टर नंबर 16 में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई एटम कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, या कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो कोई एटम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी इमिट करेगा, उसकी वेवलेंथ, उस एनर्जी की वेवलेंथ क्या होगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे वेवलेंथ के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और हम जो डेरिवेशंस वगैरह भी करेंगे वो वेवलेंथ से मुताल्लिक ही करेंगे, ठीक है। और उनकी इंटेंसिटी क्या है, ये है हमारे चैप्टर का टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रा तो लाजमी तौर पर आप लोग केमिस्ट्री में इस बात से वाकिफ हैं कि एक चीज़ होती है, हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। अभी स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लूँगा कि दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी वजह मैंने यहाँ पे लिख दी है कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इसलिए करते हैं ताकि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर को, किसके स्ट्रक्चर को, एटम को। याद रखिएगा, ये जो हम आज एटम के जिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये एक पूरी हिस्ट्री है जो डेवलप होती हुई हमारे तक पहुंची है, जिसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा आपसे, और फिर बोहर की थ्योरी है जो कि मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर नंबर 18 का, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी स्पेक्ट्रम की स्टडी जो केमिस्ट्री वाले भी कर रहे थे और फिजिक्स वाले भी कर रहे थे, इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम एटम के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, फिर कोई भी एटम किस तरीके से एनर्जी ले रहा है, मतलब कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, क्या वो किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। ये कह रहे थे आपसे कि वो जो एनर्जी एटम एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी एनर्जी एटम को दे दें, क्या वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या हम जो एनर्जी उसको दे रहे हैं वो उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से जब एटम एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी जो एनर्जी वो हमें देता है, तो क्या वो हमें हर वैल्यू ऑफ एनर्जी देता है या कुछ मखसूस वैल्यूज़ होती हैं वही हमें देता है। इससे हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होती है। तो ये है वो मकसद जिसके लिए हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्पेक्ट्रम की स्टडी बेसिकली हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही आसानी फ्राहम करती है, या हमें ये कहना चाहिए कि इनसाइट प्रोवाइड करती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि स्पेक्ट्रम हमारे पास किस किस किस्म के हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ना बड़ी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, देखिए कि होता यह है कि ये एक न्यूक्लियस है हमारे पास, और न्यूक्लियस के बाद हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है और मैं उसको पहले शेल से दूसरे शेल में लेकर जाना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी होती है पहले शेल की, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है दूसरे शेल की, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे पास तीसरे शेल की। तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। तो इसको एनर्जी दूंगा तो ये जाएगा हायर ऑर्बिट में। तो जब भी नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए यह बहुत अहम बात है कि कौन सी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से फर्ज कर लेते हैं कि एक हायर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन था और वो वहां से जंप लगा के लोअर लेवल में आ रहा है। तो जब हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, निकालेगा एनर्जी को। तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा ये हमारे पास आती है किसके अंदर, इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। अब हम रेडी हैं किसको समझने के लिए, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को वन बाय वन करके समझने के लिए, वो है क्या, ओके?